नमस्कार, द वायर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपको कश्मीर का वो डॉक्टर तो याद होगा ही जिसने 2010 में यूपीएससी टॉप करके पूरे देश में धूम मचा दी थी। वो कश्मीर के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने आईएएस टॉप किया था, और उसके बाद कश्मीर में जैसे बयार आ गई थी आईएएस अधिकारियों की, यानी बड़ी तादाद में जो है कश्मीरी युवाओं ने अप्लाई किया और बड़ी तादाद में सिलेक्ट भी हुए आईएएस सर्विसेज के लिए। और ऐसा माना जा रहा था कि शायद मिलिटेंसी से लड़ने के लिए एक नया मॉडल हमारे सामने तैयार हो गया है, बैड कश्मीरी वर्सेज गुड कश्मीरी। तो अब ये जो गुड कश्मीरी है, आईएएस अधिकारी शाह फैसल का हम जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर शाह फैसल के ऊपर अब केंद्र सरकार ने जो है वो जांच बिठाने का आदेश दिया है, उनको नोटिस भेजा गया है सरकार की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से। जो नोटिस है उसकी वजह दरअसल एक ट्वीट है जो उन्होंने अप्रैल के महीने में किया था। ये ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं, फिर आप खुद तय करिए कि किस तरह से इसको इस तरह देखा जाएगा कि सरकार के खिलाफ, सरकार की क्रिटिसिज्म के या सरकार की आलोचना के तौर पर इसको देखा जाए। शाह फैसल ने अप्रैल में लिखा था अपने ट्वीट में, पेट्रियार्की प्लस पॉपुलेशन प्लस इलिटरेसी प्लस अल्कोहल प्लस पॉर्न प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एनार्की इज इक्वल टू रेपिस्तान। उनका मतलब ये था कि पितृसत्ता, आबादी, जो अनपढ़ होना है, अल्कोहल, पॉर्न, टेक्नोलॉजी और अराजकता मिलाकर रेपिस्तान बन रहा है। आपको याद होगा ये वो वक्त है जब कठुआ में 8 साल की बच्ची का रेप हुआ था, जिसमें बीजेपी की सरकार, जो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, उसके 2 मंत्री शामिल थे, जिन मंत्रियों ने वहां प्रो रेप रैलीज या अक्यूज्ड को बचाने के लिए, दोषी को बचाने के लिए जो रैलीज हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे। यानी कि पॉलिटिकली तौर पर जो है बड़ा ही टची सब्जेक्ट था बीजेपी के लिए, क्योंकि 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की काफी आलोचना हुई थी केंद्र में भी और राज्य में भी। अब आप ये सोचिए कि इस ट्वीट के ऊपर जिसमें ये आईएएस अधिकारी डॉक्टर शाह फैसल अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे जो साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया है, उसमें जो रेप कल्चर है उसको लेकर निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि किसे तमाम जो वजह हैं इनको मिलाकर भारत में और दक्षिण एशिया में जो है वो इस तरह का कल्चर बन रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इस ट्वीट को जिस तरह से देखा वो ये था कि दरअसल वो पाकिस्तान के बरक्स भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या पाकिस्तान को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 2016 में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है सरकारी अधिकारियों को किसी भी तरह की सरकारी आलोचना के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था। शाह फैसल का यह कहना है, उन्होंने कहा कि लव लेटर उनके बॉस ने, उनकी सरकार ने जो है उनको भेजा है, इसलिए खासकर वो ये ट्वीट जो है पब्लिक कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा, ट्विटर पर भी लिखा, ताकि वो चाहते हैं कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं इस सेवा के, वो बदले जाएं, इसलिए खासकर उन्होंने इसको पब्लिक किया। वो चाहते तो खामोश रह सकते थे, अमेरिका में छुट्टी पर फिलहाल वो हैं, पढ़ाई की सबैटिकल उन्होंने ली हुई है, पढ़ाई के लिए छुट्टी उन्होंने ली है, वहां पढ़ रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने उनको सपोर्ट किया है और ट्विटर पर कई सेलिब्रिटीज हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जो है वो शाह फैसल ने जो कहा है खासकर उसमें कुछ भी उन्हें गलत नजर नहीं आता। और खासकर इस जो नोटिस के आखिर में लिखा है कि जो डिसऑनेस्टी है, जो बेईमानी है पूरे तरीके से अपना ना काम करने की, दरअसल उसके तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, जांच के आदेश बिठाए जा रहे हैं। 35 साल के शाह फैसल, आपको फिर बताना चाहती हूं कि वो आईएएस अधिकारी हैं जो कि सबसे, जो एक ही पूरे कश्मीर के इतिहास में यूपीएससी टॉप करने वाले आईएएस अधिकारी हैं। तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार जो है ये फैसला करती है। साफ तौर पर जो रूल्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो नियम है सरकारी अधिकारियों के लिए कि वो कुछ भी ऐसी बात ना कहें जो सरकार की आलोचना हो या जिससे जिस तरह का कोई इनडिसिप्लिन, अनुशासन पैदा होता है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले 4 साल में हमारे नेताओं ने, यहां तक कि मंत्रियों ने, आपको याद होगा, किस किस तरह के बयान दिए हैं जो कि समाज में नफरत फैलाने वाले हैं, हिंसा फैलाने वाले हैं, नफरत को, यानी कि आप सोचिए कि इंसाइटिंग वायलेंस, यानी कि नफरत के अलावा हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार जो बयान है केंद्र सरकार में, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, आखिर कौन उनसे जवाबदेही मांगेगा? उनके कौन से ऐसे नियम हैं, कौन सा ऐसा अनुशासन है जो हमारे ये नेता फॉलो करते हैं? तो आखिर इन नेताओं से कौन जवाब मांगेगा? 2016 का जिक्र है, अजय सिंह गैंगवार नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने नेहरू की तारीफ की थी अपनी फेसबुक पोस्ट में, उस तारीफ की वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनको भी जो है वो सजा दी गई, पनिश किया गया। इसी साल 2018 में राघवेंद्र विक्रम सिंह बरेली के डीएम थे, उन्होंने कहा कि जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं दरअसल वो सांप्रदायिक सद्भाव को जो है बिगाड़ रही हैं। आपको याद होगा कि बरेली में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव हुआ था उस दौरान उन्होंने ये बात कही और उसके लिए भी उनकी निंदा की गई, उनकी आलोचना की गई, उन पर एक्शन लिया गया। तो ये दोनों जो अधिकारी हैं, इनके अलावा ये तीसरा शिकार जो है शाह फैसल नजर आ रहे हैं बिना कोई कार्रवाई किए हुए, सिर्फ
एक रेप कल्चर को जो है फ्लैग करने की वजह से इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। तो आईएएस अधिकारियों के लिए जो है वो सर्विस रूल्स हैं जिनको वो वायलेट नहीं कर सकते, जिनका पालन उन्हें करना ही होगा। आम लोगों के लिए, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, उन सबके लिए सेडिशन का जो है वो लॉ है, जो अंग्रेजों के जमाने का लॉ है, जो दरअसल अंग्रेजों ने भारतीयों पर कब्जा करने के लिए, उन्हें अपने पैर के नीचे दबाने के लिए इस तरह के कानून बनाए थे, जो किसी भी सरकारी आलोचना को जो है वो देश विरोधी माना जाता है। तो ये सेडिशन का कानून आपको याद होगा, हाल ही में कन्हैया कुमार जो है जेएनयू के, उनके ऊपर भी लगाया गया था। किसी भी व्यक्ति जो सरकार को लगता है जो उसे पसंद नहीं करती, उसके ऊपर बहुत आसानी से सेडिशन का जो है वो कानून लगा दिया जाता है। तो जो सर्विस रूल्स हैं वो अधिकारियों के लिए हैं, आईएएस ऑफिसर्स के लिए हैं, दूसरे अधिकारियों के लिए हैं। सेडिशन जो है आम लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए है, एक्टिविस्ट के लिए है। लेकिन ये कौन पूछेगा कि आखिर हमारे नेताओं के लिए क्या है? वो जो चाहें जब चाहें कह सकते हैं, और एक लोकतंत्र में अगर बोलने की आजादी नहीं है, क्योंकि इस पर भी हमेशा खामोशी रही है कि आखिर जो आईएएस अधिकारी हैं या जो सरकारी अधिकारी हैं, आखिर उन्हें क्यों नहीं बोलने की इजाजत है? इस पर हम सबकी चुप्पी रहती है। एक तरह से ऐसा लगता है कि इस पर इसको लेकर एक कंसेंसस है, जैसे एक आम राय है कि हाँ, सरकारी अधिकारियों को चुप रहना चाहिए, उन्हें सरकार की किसी भी आलोचना करने का, किसी भी तरह की आलोचना करने का कोई हक ही नहीं होना चाहिए। शायद ये सही मौका है कि जब आज हम ये चुप्पी तोड़ें कि क्यों जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी रैंक के हो, चाहे लोअर ब्यूरोक्रेसी हो या हायर ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें क्यों हम इजाजत नहीं देते कि सरकार में रहते हुए, सरकार के लिए काम करते हुए, सरकार की नीतियां पॉलिसीज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए, क्यों इन अधिकारियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम का हिस्सा बने होने के बावजूद सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सके। और इसी से जुड़ी हुई खबर दूसरी है, जिसमें ये पता चलता है कि आखिर भारत का जो स्थान है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतंत्र के तौर पर, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 21वीं सदी में 2018 में जो है एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे, बराबरी के अधिकारों की बात करेंगे, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूं कि वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक संस्था है स्वीडन में, यूनिवर्सिटी है, जहां की 2500 के आसपास सोशल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें भारत को जो है एक खराब डेमोक्रेसी के तौर पर रेट किया गया है, और बताया गया है कि एट रिस्क है, खतरे में है भारत की डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां, और ये खासकर ये जो रैंकिंग है ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद एकदम धड़ाम से भारत का जो स्तर है वो उसमें गिरा है। इसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया, एक्टिविस्ट, इनके ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है, इसके मद्देनजर इस संस्था ने यह कहा है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। दो जो है वो इनके पैरामीटर्स जो है, पैमाने हैं, वो होते हैं, एक तो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्री और फेयर इलेक्शन के हिसाब से भारत ठीक ठाक है, अभी तक ठीक चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिस तरह से सिविल सोसाइटी, पत्रकार, एक्टिविस्ट, इन सब पे हमला हो रहा है, मीडिया फ्रीडम पर हमला हो रहा है, इसको डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत खराब माना जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने अंडरलाइन किया है इस रिपोर्ट ने, ये कहा है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके आ जाने के बाद जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है, दरअसल वो खतरे में पड़ रही है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है, लिबरल जो वैल्यूज हैं भारत की, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, दरअसल उस पर ये खतरा आन पड़ा है। भारत की जो रैंकिंग है वो 81वीं रैंकिंग है। दरअसल अगर दक्षिण भारत के नजरिए से भी देखा जाए तो श्रीलंका और नेपाल से भी जो है वो साउथ एशियन रीजन में श्रीलंका और नेपाल भी भारत से ऊपर आते हैं। आप ये देखिए कितने शर्म और अफसोस की बात है। शायद यही वो खास दिन है जब हम अपने आईएएस अधिकारी को बोलने की इजाजत नहीं देते, उसको मुंह खोलने की इजाजत नहीं देते, उसको कोई राय रखने की इजाजत नहीं देते। इन्हीं वजहों के तहत आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है उसमें ये स्थान हो गया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।